थे आपका MHL कॉमर्स गुजी पर, और जो हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग रेशियो, इस चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 29 में भी हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेप्ट इक्विटी रेशियो, जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है, डेप्ट अपॉन इक्विटी होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले देखेंगे यहां आपको टेंजिबल फिक्स एसेट दे रखा है, इंटेंजिबल दे रखा है, करेंट एसेट दे रखा है। इन तीनों को मैं जोड़ लूं तो टोटल एसेट्स आ जाएगा 24,50,000 प्लस 3 लाख और प्लस 3,34,000, यानी कि टोटल एसेट्स कितनी है, 30,84,000। टोटल एसेट में से मैं लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो हमारे जो बचेगा वो क्या होगा, शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी। लाइबिलिटी कितनी है, 1.5 लाख के प्रोविजन है, 16 लाख की लॉन्ग टर्म और 84,000 की करेंट लाइबिलिटी, यानी कि मेरी इक्विटी कितनी आ गई, 12,50,000। डेप्ट कितना है, इन दोनों को जोड़ दो, डेप्ट है 17,50,000 और इक्विटी आई मेरी 12,50,000। दोनों को सॉल्व करता हूं मैं, 17,50,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, ये आएगा मेरा 1.4:1। आंसर देखेंगे 1.4:1। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, छोटा सा है क्वेश्चन है। कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल एसेट 2,30,000 है, टोटल डेप्ट 1.5 लाख है, करेंट लाइबिलिटी 30,000 है। तो इस क्वेश्चन में हम छोटा छोटा करके पहले स्टेप बाय स्टेप चीजें निकालेंगे। सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाल लूं। टोटल डेप्ट का मतलब है टोटल लायबिलिटी, यानी कि कितनी है, 1.5 लाख। और इस 1.5 लाख में से मैं अगर करेंट लायबिलिटी माइनस करूंगा तो जो बची लायबिलिटी वो क्या है, मेरी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो 1,20,000 मेरा क्या आ गया, डेप्ट आ गया। अब बात आई मेरी इक्विटी की, तो इक्विटी में टोटल एसेट्स कितनी है, 2,30,000 है, और टोटल लायबिलिटी कितनी है, 1,50,000। तो बचा कुछ चाहिए, जो 80,000 आए, क्या है मेरा इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट था 1,20,000, इक्विटी थी 80,000। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.5:1। आंसर चेक कराऊंगा, ये मेरा आंसर है। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 31 है और क्वेश्चन नंबर 32 है, ये आप अपने आप ही कर लोगे इजीली, मुझे बताने की नीड नहीं है। तो कुछ नहीं, इसमें रेशियो दे रखा है, आपको बताना है कि ये सब चीजें करने के बाद जो हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। तो अपनी तरफ से आप कोई वैल्यू ले लेना, उसी वैल्यू को घटा के जोड़ के करोगे तो आंसर इजिली आ जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 को करने से पहले आप देखिए यहां से क्या निकलवा रहा है, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, यानी कि अब यहां पर नए फॉर्मूले की बात करी जा रही है। तो इसे करने से पहले मैं आपको समझा दूं कि टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो होता क्या है। टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ही फॉर्मूला बोला हुआ है, यानी कि टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। तो इससे पहले हम डेप्ट इक्विटी रेशियो करके आ रहे हैं, जिसका फॉर्मूला था डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो आप लोगों को ये तो मालूम है कि डेप्ट क्या होते हैं और डेप्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट आते हैं सारे, लंबे समय कर्जे। टोटल एसेट्स का मतलब सारी एसेट्स, यानी कि नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में आप टेंजिबल एसेट्स भी और इंटेंजिबल एसेट भी, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन इन एडवांस और करेंट एसेट, ये सारी चीजें हमारी एसेट्स में आती हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता है इनका, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब हम जरा क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन में आपको टोटल एसेट्स डायरेक्ट दे रखा है, टोटल डेप्ट डायरेक्ट दे रखा है, क्रेडिटर दे रखे हैं, बीपी दे रखा है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यानी कि जो ये टोटल डेप्ट, टोटल एसेट्स तो आ गया, निकालने की नीड नहीं है, लेकिन जो टोटल डेप्ट दे रखा है 32 लाख का, इसमें से ये करेंट लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी है, करेंट लाइबिलिटी, इनको मैं माइनस करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए बेटा टोटल एसेट्स तो हमें दे रखा है, पैंतीस लाख का, ठीक है ना। अब बात आई टोटल डेप्ट की, टोटल डेप्ट है 32 लाख। अब इस 32 लाख में से मैं 32 लाख माइनस 2.5 लाख के क्रेडिटर, 20,000 के बीपी, 1 लाख का शॉर्ट टर्म बोरोइंग और 30,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि ये आएगा 2,80,000। ये क्या है, डेप्ट आया। मैं फॉर्मूला लगा दूं टोटल एसेट्स डेप्ट का, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट, तो ये आएगा हमारा तैतीस लाख डिवाइडेड बाई 28 लाख, ये मेरा आएगा 1.25:1। आंसर देखते हैं, 1.25:1 यानी कि बिल्कुल सही है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब देखें यहां शेयर होल्डर फंड हमें दे रखा है 32 लाख का, तो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, क्योंकि शेयर होल्डर फंड दे रखा है तो रिजर्व एंड सरप्लस को हमें नहीं देखना। यहां आ गए हम टोटल डेप्ट पर, टोटल डेप्ट 24 लाख के दे रखे हैं, ट्रेड पेबल यानी करंट लाइबिलिटी दे रखी है, ये भी करंट लाइबिलिटी दे रखी है। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 34। टोटल डेप्ट दे रखा है 24 लाख का, इस 24 लाख में से मैं क्या क्या कर दूं, इस 24 लाख में से मैं ट्रेड पेबल माइनस कर दूं 5,60,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कर दूं 40,000। तो ये जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ गई, डेप्ट आ गया, वो कितना आ गया 18 लाख। अब बात आई एसेट्स की, तो देखो बेटा टोटल डेप्ट दे रखा है 24 लाख का और शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं 32 लाख के, यानी टोटल एसेट्स कितनी होगी हमारी, टोटल एसेट बेटा हमारी कितनी होनी चाहिए 56 लाख। तो 56 लाख को मैं 18 लाख से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 3.11:1, और यही हमारा आंसर है। आंसर देखें क्वेश्चन 34 का 3.11:1। कैसे किया, टोटल डेप्ट दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, दोनों को जोड़ दो, आपको मालूम है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 56 लाख, तो टोटल एसेट्स भी हमारी 56 लाख हो जाएगी। तो 56 लाख को हमने डिवाइड किया 18 लाख से, सॉरी, तो 3.11:1। अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 35। अब 35 में देखो आपको लायबिलिटी ही लायबिलिटी दे रखी है, डिबेंचर दे रखे हैं 30 लाख के, लोन फ्रॉम बैंक दे रखा है 10 लाख का, शॉर्ट टर्म बोरिंग 8,60,000 की, शेयर कैपिटल 20 लाख की, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख के और बैलेंस इन स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन 35 में क्या करेंगे, इन सबको जोड़ दो पहले, डिबेंचर्स प्लस लोन फ्रॉम बैंक प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब करके क्या आएगा, टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, तो हमारी टोटल एसेट्स भी आ जाएगी, यानी कि आपको मालूम है लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो डिबेंचर 30 लाख के डिबेंचर है, 10 लाख का लोन है, बोरोइंग शॉर्ट टर्म 8,60,000, शेयर कैपिटल 20 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, तो यह आया 73,60,000, यानी कि टोटल एसेट्स भी कितनी आ जाएगी 73,60,000। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, डिबेंचर और बैंक यानी कि 40,000। तो फॉर्मूला आएंगे टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट 40 लाख, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा यही 1.84:1।
क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, 36 भी सेम वैसा ही है, टोटल डेब्ट दे रखा है, तो टोटल डेब्ट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो लॉन्ग टर्म डेब्ट आ जाएगा 35 लाख। अब हमें क्या निकालना है, टोटल एसेट, तो इसको इसको और इसको प्लस कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले टोटल एसेट्स निकालने के लिए टोटल डेब्ट प्लस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को हम ऐड करते हैं, तो 40 लाख, 55 लाख और ये 63 लाख, तो आ जाएगा हमारा टोटल एसेट्स। और लाइबिलिटी के वो डेब्ट कितना है, डेब्ट आएगा 35 लाख, तो 63 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख आंसर आएगा हमारा 1.8:1। और आंसर भी देखिए 1.8:1। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, आज हमने क्वेश्चन नंबर 29 से लेके कर लिए क्वेश्चन नंबर 36 तक। अगली वीडियो में हम करेंगे इसके आगे क्वेश्चन, तब तक के लिए